गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सो गाइस, आज है डे थर्ड, 25 दिसंबर। सो सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। एंड गाइस, आज का प्लान अभी तक बना तो नहीं है, क्योंकि आज हमें रिटर्न गुड़गांव जाना है। सो गाइस, टाइम हो गया है देहरादून के इस प्रॉपर्टी से विदा लेने का, तो चलते हैं अब। तो लगेज मैंने पूरा पैक कर लिया है अपना। वैसे सच बताऊं तो मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा व्यू कौन छोड़ेंगे यार, पहाड़ों के बीच काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस, चलते हैं यहाँ से, विदा लेते हैं आज और बढ़ते हैं आगे। हो सकता है मैं अपनी दीदी के यहाँ भी चले जाऊँ, पर कुछ भी कहो, होटल बहुत अच्छा है। जितना मतलब इनका कॉस्ट है उस हिसाब से, मतलब इनकी सर्विस बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो गाइस, अगर आपने को इस होटल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी पिछली वीडियोज़ ज़रूर देखना। होटल की मैंने प्रॉपरली मतलब जो प्रॉपर डिटेल्स दी है आपको, आपको यहाँ के चार्जेस क्या है, इसके अलावा यहाँ का मतलब रूम टैरिफ सीज़न नॉन सीज़न में क्या होता है, वो मैंने सारा डिटेल्स आपको दिया है। यहाँ पे रिसेप्शन है, आप आ सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे आते हैं, यू विल गेट टू नो, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट ओनर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वैसे अदर नंबर्स भी आपको मिलेंगे। भैया का नंबर है, भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम? प्रत्युष। सो प्रत्युष जी से आपकी बात हो सकती है। इसके अलावा ओनर का नाम क्या है? शशांक बजाज। तो शशांक बजाज जी का ये होटल है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिटेल मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओनर कांटेक्ट या होटल के कांटेक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाने से पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ कि अगर आपको होटल की डिटेल्स प्रॉपर चाहिए तो मेरी पिछली दो वीडियो आप देख लीजिए। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ होटल के, अभी इस वीडियो में जितना मैं बता सकता हूँ वो ये है। ये मेरे पीछे रहा होटल फोर सीजन, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। लोकेशन की बात करूँ तो ये आपको मेन रोड पे ही मिल जाएगा, काफ़ी मतलब सुंदर प्रॉपर्टी है। और आपका ये मेन सहजदारा रोड है यहाँ से, एंड इस साइड से भी बहुत ही मतलब सुंदर व्यू आता है और बहुत ही अच्छा है। सो भाई, टाइम हो गया, चलते हैं अब आगे। ओके, सो फाइनली गाइज, गुड़गांव जाने से पहले मैं आ गया हूँ अपनी दीदी के घर पे, सो दैट आखिरी बार हम मतलब वहाँ पे मिल सके। हाँ, किसके साथ? मैं छोड़ूंगी। अच्छा, हाँ। क्या बना रहे हो? दाल चावल। दाल चावल, हाँ। चलो बढ़िया है। तो अभी भी मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं। उधर आपको शायद टीवी की वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी, दीदी बना रही है खाना। तो गाइस, देहरादून में दीदी के घर पे सबसे पहले मैंने कहा धूप सेकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे धूप सेकने का मज़ा अलग आता है। और साथ में मैंने बनाई अपने लिए खटाई, तो जो भी घर का नमक माल्टा से, तो मैं खटाई बना दी है, उसको नमक को इसमें मिला दिया है। अभी जितना हो सकता है उतना काम चला रहे हैं, पर धूप में मज़ा आता है। सो गाइस, फाइनली लंच होने लग गया है, एंड सामने मूवी चल रही है। लंच में बना है पनीर, दाल, रायता, सैलेड, सब कुछ है। सो गाइस, फाइनली लंच करने के बाद दीदी के घर से निकल गए, और हमने डिसाइड किया है, मैंने डिसाइड किया है कि आपको ले चलूं देहरादून तपकेश्वर मंदिर में। तपकेश्वर महादेव जो मंदिर है, महादेव को समर्पित है, तो वो देहरादून से यहाँ पे क्लॉक टावर से कुछ 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा, या शायद 6 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी मैक्स। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी तपकेश्वर महादेव, जो कि गढ़ी कैंट देहरादून की साइड में है। तो चलते हैं गाइस, वहाँ पे विजिट करते हैं जल्द से जल्द। सो गाइस, अभी मैं हूँ देहरादून गढ़ी कैंट साइड के मॉल रोड पे। तो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूं तपकेश्वर महादेव के आसपास। आप देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है, मैंने भी गाड़ी पहले ही साइड कर दी। मैंने सोचा यार इस जाम में फंसने से अच्छा है चले जाएं हम। गाइस, अभी ले रहे हैं प्रसाद, उसके बाद चलते हैं आगे। सो गाइस, सामने रहा तपकेश्वर भगवान का मेन गेट। तो ये जो गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है,
और यहाँ से नीचे जाती हैं सीढ़िया। जय तपकेश्वर महादेव। फाइनली यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे उतरना पड़ता है। नीचे कितना दूर है ये भी मुझे एग्जैक्ट कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जाके देखते हैं, जब जाके देखेंगे तभी समझ आएगा। मैं वैसे उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, लेकिन पहली बार तपकेश्वर महादेव के मंदिर में आ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले डेफिनेटली मतलब कुछ आइडिया नहीं था मुझे यहाँ का, और शायद कुछ सिचुएशंस भी ऐसी नहीं थी कि मैं ट्रैवल करूँ यहाँ पे या कहीं। अभी भी बहुत सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे मैं ट्रैवल नहीं किया हूँ, लेकिन आगे जाके ज़रूर करूँगा। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ उससे तो लग नहीं रहा कि यहाँ से ज़्यादा सीढ़ियाँ होंगी, मतलब ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। सो फाइनली गाइस पहुँच गए हम तपकेश्वर महादेव के मेन मंदिर के आसपास, और सामने माता वैष्णो जी का मतलब मंदिर भी है, हनुमान जी की मूर्ति भी है, बहुत सारे यहाँ पे देवी देवताओं के मंदिर है, काफ़ी सुंदर प्लेस है। नीचे नदी भी बह रही है और आसपास का वातावरण यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। भीड़ बहुत है श्रद्धालुओं की यहाँ पे, तो यहाँ आने के लिए कोई ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हुई हमें। तो सामने जो है वाल्मीकि मंदिर है, और ये प्रॉपर एक गुफा के अंदर ऐसा ही लग रहा है, प्रॉपर गुफा के अंदर जैसा। तो भी गेट के एंट्रेंस से हमें कुछ इस तरीके से अंदर जाना होता है। सामने रहे महादेव, और ये है गुफा जो काफ़ी प्रसिद्ध है तपकेश्वर महादेव की। ये रहा एंट्रेंस मेन गेट का, और सामने देखो महादेव की मूर्ति, हर हर महादेव। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है, और इस साइड आई थिंक गुफा इस साइड है, जिस साइड बताया जाता है कि अंदर गुफा के अंदर मंदिर है। तो कोशिश करूँगा सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे चैनल राहुल रमोला व्लॉग्स पे। आप देख सकते हैं सामने है काल भैरव का मंदिर, जो कि एक प्रॉपर गुफा के अंदर है, गुफा कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो गाइस फाइनली सामने है एंट्री तपकेश्वर महादेव मंदिर के गेट की, जो कि अंदर के साइड गुफा के अंदर जाने का रास्ता है। तो देखते हैं आगे अंदर शायद शूट करना अलाउड हो या ना हो। अंदर तो आ गया मैं, हर महादेव के दर्शन होने अभी बाकी हैं, तो देखते हैं। ये छोटी सी गुफा है, इसमें जाना बहुत टफ है भाई, इसमें जाना बहुत टफ है, ये बहुत छोटी गुफा है। तो फाइनली मेन गुफा में आ गए। तो गाइस जितना हो पाए उतना, गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर गुफा के अंदर, और सामने वो जो छोटी गुफा थी जो मैंने अभी दिखाई आपको, वहाँ से हम अंदर गए थे महादेव के दर्शन करने। सो गाइस फाइनली मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करके आ गया, महादेव के दर्शन करके आ गया। ये शोर तो आप सुन ही रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाहर निकलते ही है ये नदी, और लोग जो श्रद्धालु हैं बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब अपनी श्रद्धा भाव दिखा रहे हैं भाई। नहीं तो इतनी ठंड में नीचे कौन जाएगा, इतनी ठंड में भी नीचे पानी में जाने की हिम्मत तो इन लोगों ने की है। आसपास का दृश्य कुछ इस तरीके से है यहाँ पे भाई, देखो कितना क्लियर वाटर है यार, कितना क्लियर वाटर है, कैन यू सी दिस भाई, ऐसा यही देखने को मिल सकता है यहाँ पे, इतना क्लियर वाटर, मतलब लोग जा भी रहे हैं तब भी गंदा नहीं हो रहा भाई। तो सभी श्रद्धालु मतलब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे इस क्लियर वाटर में, यहाँ पे लोग जा भी रहे हैं तब भी ये गंदा नहीं हो रहा है। तो मुझे मतलब एक पॉजिटिव वाइब जो होती है ना वो यहाँ पे आ रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। अब बाकी लोगों को देख के मैं भी हिम्मत कर ही लेता हूँ थोड़ा सा पाँव नीचे डालने की। ओ फाइनली, तो गाइस फाइनली मैं भी बाहर आ गया हूँ, और मतलब जो मैं सोच रहा था कि इतनी ठंड में यहाँ पानी के अंदर ठंडा लगेगा, तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा भाई इसमें, इवन और गर्म लग रहा है। यही चमत्कार है, यही
भगवान का आशीर्वाद है, महादेव की लीला है। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़ारे हैं, गुफा कुछ ऐसी है जो कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश करी है। फ़ोटोग्राफी वैसे अलाउड नहीं थी बट थोड़ा बहुत बाकी लोगों को देखा देखी में मैंने भी खींच लिया। इस सुंदर नज़ारे के साथ साथ यहाँ पे है माता वैष्णो का मंदिर और माता वैष्णो की गुफा बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे पहाड़ों के अंदर गुफाओं में ज़्यादा मंदिर होते हैं। तो सामने है माता वैष्णो की गुफा जो कि मैं आज एक्सप्लोर नहीं करूँगा, अगली बार फिर आएंगे नेक्स्ट, हो सकता है आने वाले 2 या 3 महीनों या मार्च अप्रैल तक दोबारा आएंगे, तब हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे प्रॉपर टाइम लेके। आज हमें जाना है गुड़गांव तो थोड़ा सा टाइम कम है। तो गाइस फाइनली अब यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं, सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने में कुछ ऐसा दृश्य है यहाँ पे। गाइस देख सकते हैं आप तपकेश्वर महादेव के मंदिर की गुफाओं में बहुत से अलग अलग कलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी जो सामने आपको देखने को मिल रही है। जैसे नीचे एक सुंदर सा व्यू है जो कि आप देख सकते हैं, इतना साफ पानी है, स्वच्छ जल, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि रोक नहीं पा रहा हूं मैं अपने आप को ये कहने से। सामने क्या अच्छा दृश्य दिख रहा है इसमें, ये इन्होंने आई थिंक ये मैन मेड है तो उस हिसाब से ही बनाया गया जो कि अच्छा लगे। हालांकि मंदिर के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो अगली बार रिसर्च करके आऊँगा। नॉर्मली मैं कभी सोचता नहीं हूँ रिसर्च करके आने का, तो मैं इतना ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊँगा कि ये मंदिर कब से है क्यों है, लेकिन हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। तो चलते हैं गाइज ऊपर की तरफ, पहले चप्पल पहनते हैं, बहुत ठंड लग रही है भाई पाँव में अब, और मुझे लग रहा है कि कहीं सर्दी ना हो जाए, पहले ही लगी हुई है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? बेटा क्या कर रहे हो? तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये तपकेश्वर महादेव मंदिर जो है आपको देहरादून क्लॉक टावर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। बेसिकली आपको क्लॉक टावर से कैंटोनमेंट, गढ़ी कैंट साइड के लिए कैंटोनमेंट का रास्ता है वो आपको लेना है, एंड वहाँ से आप जल्दी पहुँच पाएंगे। हो सके तो बीच में मतलब 300 या 500 मीटर पहले ही आप अपनी बड़ी गाड़ी से अगर आप आ रहे हैं तो रोक लें और कहीं पार्किंग देख लें, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी रहता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा पैदल वॉक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसके अलावा अगर आप कहीं दिल्ली से आ रहे हैं, अगर पर्सनल कार से आ रहे हैं तो यू नो दो भी, अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो पहला स्टेशन देहरादून, फ्लाइट से आ रहे हैं तो जॉली ग्रांट। इसके अलावा बजट में बता दूं, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो डिपेंड कि आप किससे आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका बजट डिसाइड होगा। रूम्स अवेलेबिलिटी आपके 1000 से लेके 2000, 5000, मोर देन दैट आपको मिल जाएंगे, लेकिन मिनिमम बजट में भी आपको देहरादून में रूम अवेलेबल हो जाते हैं आपके 500 से लेके आपके मतलब मैक्सिमम बजट जो भी आपका है उसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं देता नहीं, आपको पता है आई एम द लाइफस्टाइल ब्लॉगर। तो अभी मेरे को जाना है गुड़गांव, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, आज मेरा मन नहीं है जल्दी जाने का। पिछली बार गया था रात 10 बजे गया था यहाँ से, तो आई थिंक 3 घंटे में 10 बजे से लेके 2 बजे रात को गुड़गांव पहुँच गया था। इस बार मैं सोच रहा हूँ यार कि 8 बजे निकलता हूँ तो 12 बजे तक गुड़गांव पहुँच जाऊँगा, फिर मुझे नेक्स्ट मंथ भी देहरादून आना है, क्योंकि एज़ यूजल मेरा घर का काम चल रहा है यहाँ पर तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा आना पड़ेगा। तो अगली बार फिर नया होटल, नया प्रॉपर्टी और नया लोकेशन लेके आऊँगा आपके लिए। फ़िलहाल मैं अभी यहाँ से वापस जा रहा हूँ एंड आगे की अपडेट हम देते रहेंगे। तो उस वाले रास्ते से मैं आया था, अभी जा इस वाले रास्ते से रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आने जाने के लिए वो अलग है ये अलग है, बट ये भी एक रास्ता है तो मैंने सोचा कि एक्सप्लोर करूँ, आपको बताऊँ। और यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, अच्छा सा लग रहा है देखने में भाई, है क्या आई डोंट नो। तो बेसिकली अच्छा सा लग रहा था, इसकी वजह से मुझे लगा कुछ मतलब है टेम्पल वेम्पल, लेकिन हाँ टेम्पल भी है ही एक हिसाब से, और ये छोटा सा पार्क है यहाँ पे,
काफ़ी है मतलब यहाँ पे, अगर आप आते हो तो वीकेंड के लिए स्पॉट्स हैं। सामने वो लगा हुआ है यहाँ की, वहाँ मेला भी होता होगा पक्का यहाँ पे। तो ये सामने यहाँ पे ब्रह्मलीन श्री 108 महंत माया गिरी जी महाराज, किसी साधु संत की समाधि भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये रहे ब्रह्माली जी। सो गाइज, अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो ये पार्किंग एरिया काफ़ी है यहाँ पे, जो कि आपको मिल जाएगा। और ये फाइनली मैं पहुँच गया हूँ मेन रोड पे, यहाँ पे मार्केट एरिया है, वो भी काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव सा है। स्मॉल टाउन वाली जो फील होती है मार्केटों में, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। प्रसाद लेना हो तो मार्केट में आपको प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सो छोटी छोटी दुकानें हैं। ये जो पेड़ है वो याद रखना, यहाँ से गेट शुरू होता है भाई। गाइज, तपकेश्वर महादेव के आसपास मुझे ये सुन, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। हिमालयन बिस्ट्रो बहुत ही अच्छा कैफे है, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज, फाइनली मैं निकल चुका हूँ तपकेश्वर मंदिर से देहरादून क्लॉक टावर के लिए, और शाम का टाइम है, 4:30 बज रहे हैं। धूप अब कम हो गई है ऑलमोस्ट यार, पॉल्यूशन के नाम पे देहरादून में अभी भी कुछ नहीं है, मतलब बहुत सही है यार, बहुत साफ है। गाइस, थोड़ी दूर आते ही मतलब देहरादून सिटी का आप व्यू देख सकते हैं, मतलब ये अदर साइड ऑफ देहरादून, मतलब पहली बार मैंने देहरादून का स्लम एरिया देखा है। इससे पहले मैंने कभी देखा ही नहीं था कि यहाँ स्लम एरिया है भी या नहीं है, बट आज पहली बार देख रहा हूँ। दिस इज देहरादून स्लम एरिया, जो कि कैंट एरिया से मतलब सट के ही है। और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एकदम मतलब पहाड़ के ऊपर, आपको चांद दिख रहा है और पहाड़ दिख रहे हैं सामने। तो इतना पोल्यूशन नहीं है कि मतलब सामने वाली बिल्डिंग भी ना दिखे, जो कि गुड़गांव में और दिल्ली में अक्सर देखने को मिलता है। तो चलो चलते हैं, यहाँ से भी निकलते हैं। सो गाइज, अभी ये डिसाइड किया है कि रात के 9 बजे निकलेंगे देहरादून से दिल्ली के लिए। अभी मैं आया हूँ ओरिएंट सिनेमा, जो कि घंटाघर के काफ़ी पास है, मेरे बैक साइड में है पार्क। और अभी मैं आपको बता दूँ कि डंकी मूवी लगी हुई। सो गाइज, फाइनली मैं आ गया हूँ, डंकी मूवी देहरादून में ओरिएंट सिनेमा में देख रहा हूँ। तो 9 बजे तक ये मूवी चलेगी, फिर हम निकलेंगे गुड़गांव के लिए। सो गाइज, रात के 9 बज गए हैं और मैं मूवी देख के फ्री हो गया हूँ, और अब निकल रहे हैं हम देहरादून से गुड़गांव के लिए। एंड रास्ते में चलते चलते डिनर विनर करके अब मिलते हैं सीधे गुड़गांव में। सो गाइज, आप देख सकते हैं रात को देहरादून 9 बजे कुछ इस तरह जगमगा रहा है। सो गाइज, अभी मैं हूँ देहरादून क्लॉक टावर के आसपास, तो यहाँ पे तो अभी मतलब ओवर ट्रैफिक है, लेकिन नॉर्मली आगे जाएंगे तो शायद आगे थोड़ा सा हाईवे पे कम ट्रैफिक मिलेगा। सो गाइस, आज लगता है रात का डिसीजन गलत हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। तो मेरा जो कैलकुलेशन था वो ये था कि हम 1 बजे तक गुड़गांव पहुंच जाएंगे, अगर फॉग वॉग नहीं होता है तो। अब फॉग आ गया है भाई, तो अब कुछ कह नहीं सकते कितना टाइम लग सकता है। तो अभी भी समझ आ नहीं रहा है, क्योंकि इतनी लाइट्स लगी हुई है रोड पे, तब भी कुछ नहीं दिख रहा है। भगवान बचा ले, बचा ले। सो गाइस, 12 बज चुके हैं और मैं हूँ मुजफ्फरनगर के आगे, मुजफ्फरनगर ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन भाई फॉग इतना है ना, फिर भी तुम्हारे भाई ने भाई 60-70-80 की स्पीड काट रखी है इसी फॉग में, क्योंकि दूसरे के गाड़ी के भरोसे चलूंगा तो लोग 40-20 पे चल रहे हैं, और इतने में मैं
टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा, कल सुबह ऑफिस जाना है तो इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। रात को आप ड्राइव कर रहे हो ऐसे फॉगी मौसम में, आपको विजिबिलिटी बहुत जीरो मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने रिसेंट में दिसंबर में प्लान किया है, न्यू ईयर का प्लान किया है, तो रात में मत निकलना भाई, स्टे सेफ, दिन में ही निकलना, बहुत धुंध होगी। अभी आपको कैमरे में फिर भी कम लगती है धुंध, लेकिन सामने ज़्यादा होती है। सो गाइस देखो, सामने टोल है लेकिन टोल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं हूँ ये दिल्ली से एंटर होते ही जो लास्ट हमारा जो टोल होगा, अब ये मेरठ के टोल में आता है या पता नहीं, एक्सप्रेस वे टोल है मैं आपको बता दूं, एंड ये लास्ट है। क्या कह रहे हो, घर पे पहुंच गया? तो गाइस रात के 2:30 बज गए हैं। जैसा सोचा था, पिछली बार मैं 10 बजे निकला था, 2 बजे पहुंच गया था, लेकिन इस बार मैं 9 बजे निकला हूं, फिर भी 2:30 से 3 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो फॉग के चलते चलते बहुत संभल के चलना पड़ता है, तो आप भी ध्यान रखें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करो यार। वीडियो थोड़ा लंबा था, आई नो, बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी मैंने। सो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे सेफ, लाइक करो और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो यार, और फैला दो, जो कर सकते करो। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे ब्लॉग तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के साथ वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बया, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार।